अब मैंने ऐसी क्या मुश्किल बात कर दी है जो आप इतनी परेशान हैं? आपने जो बात कही है ना, वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस इंसान के करने की नियत होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बेगम साहिबा को किस तरह से मुतमईन करेंगे? वो तो किसी भी सूरत में राजी नहीं होंगी। वो तो अस्मा को एक दिन के लिए भी कहीं जाने नहीं देती है, तो भाई इतने दिनों के लिए वो कैसे जाने देंगी और क्यों? ये आपको सोचना है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ अस्मा को यहाँ से ले जाए। लेकिन मैं कहूँ क्या? आप बस अस्मा को ले जाने का इंतजाम करें, बाकी मैं सोचती हूँ। मेरा तो एक ही भाई था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। भावज, आपकी भावज है ना, और जहां तक मुझे याद है वो यहाँ अकेली रहती है। तो क्या आप अस्मा को भावज के पास भेजेंगी? अरे वो तो खुद किसी के बंगले के क्वार्टर में रहती है। तो अस्मा यहाँ कौन सा महलों में रहती है अन्ना भी, इधर भी वो क्वार्टर में ही रहती है। आप चले ना, हम बात करते हैं अम्मा जान से। लेकिन कहेंगे क्या? आप उन्हें कहना कि अस्मा की माँ का पैगाम आया है कि वो अस्पताल में है और बहुत बीमार है, और उसने अस्मा को बुलाया। समझ गई? आप आए तो सही ना, देखते हैं। आए क्या? ये मुर्दे कब से जिंदा होने लगे? इतने बरसा बरस बीत गए, अरे इतने सालों में तो कभी उसकी माँ की कोई खैर खबर ना आई। अरे अचानक कहाँ से आ गई वो? और हाँ, तुम्हें किसने ये खबर दी कि वो बीमार और अस्पताल में पड़ी हुई है? हाँ बताए ना, किसने बताया आपको? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? वो बड़ी बेगम साहिबा, इसका मामू आया था, बहुत ही रो रहा था, कहने लगा कि इसकी माँ को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बस मरने वाली है। वो मरने से पहले वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है और माफी भी मांगना चाहती है। तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया उसे तुमने, हैं? वो बेगम साहबा बहुत ही रो रहा था और बहुत ही जल्दी में बस मुझे ये पता करने चला गया। मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की थी। भाई पता नहीं, पता नहीं वो उसका मामू है भी के नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं जवान लड़की को ऐसे किसी के साथ नहीं भेज सकती, बिल्कुल। एक बात कहूं अम्मा जान, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बात दरअसल ये कि क्या अगर वो वाकई अस्मा की माँ हुई तो? अच्छा है एक दफा जाकर देखा है, इसने तो सारी जिंदगी अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी। अगर वो मर मर आ गई और मरने के बाद शक्ल देखी तो पछताएगी कि जिंदगी में एक दफा मिलने आती। और वैसे भी ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? अस्मा है ना, क्यों अस्मा तुम बताओ क्या करना चाहती हो तुम, बोलो। बोलो बेटा, मिलना चाहती हूँ अम्मा जान। बचपन से आज तक मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ एक दफा देख लूँ जाके। जरूर चली जाओ बेटा। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसके साथ खुद जाऊंगी, इसको मिलवा कर साथ वापस लेकर आऊंगी। जाओ तैयार हो जाओ। अरे अन्ना भी, अरे सही पता है ना कि मामू ही था उसका? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि उसका कोई भाई भी था कभी। और माँ, इतने बरसों के बाद? अम्मा जान आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अन्ना भी को भी साथ ले जाती हूँ। अब बच्ची तो नहीं हूँ, देख लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करें।